हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इयरिंग लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि मैं कौन सा इयरिंग तैयार करने जा रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फैब्रिक ग्लू है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा दिखाया है। ये हमारे पास झुमके मोल्ड है, ये इस टाइप के। ठीक है, और ये हमारे पास पर्ल कैप है। ठीक है, और ये हमारे पास कुंदन है, स्क्वायर शेप में और राउंड शेप में। ठीक है, और ये हमारे पास इसको डेकोरेट करने के लिए बॉल चेन, पॉल चेन, बीट चेन, सब कुछ है। और ये हमारे पास हमारा मेन, जिसका हमने हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, झुमका बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे कैसे हमें इन सबको तैयार करना है। तो मिलते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाली थ्रेड लेनी है इस टाइप में। ठीक है, अब और फिर उसके बाद हमें इस पर इसको कवर करना है। मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ। तो हमने ये इतना पोर्शन पेस्ट कर रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, सीजर की हेल्प से थोड़ा सा काट देंगे ताकि सारे थ्रेड खुले नहीं। ठीक है, तो जो हमने फेविकोल लगाई थी वहाँ हमें इसे प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस कर दिया। उसके बाद हमें इसको फेविकोल लगा के यहाँ पे रखना है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे काम को डिस्टर्ब कर सकती हैं उनको हम साइड कर देंगे। अब क्या करना है, इसी के ऊपर से लेकर जाना है इसको ऐसे करके। ठीक है, कुछ ऐसे। ये देखिए, तो इस टाइप से पूरी फिनिशिंग के साथ हम इसे कर लेंगे तैयार। तो ये हमने तैयार कर लिया झुमका मोल्ड, देखिए ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे हमें इन सब को भी रेडी करना है। ये जो हमारे ये वाले मोल्ड है, ये इन सब को भी ऐसे, ये जो कलर है ग्रीन वाला, इसी से इन सब को हम कवर कर लेंगे। ऐसे जो ये वाला भी है इयरिंग मोल्ड, और ये वाला है, इन सब को हम, जैसे ये वाला हमने कवर किया ऐसे इन सब को हम थ्रेड से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कवर करके हम आपसे मिलते हैं। इन सबको हमने कर लिया है रेडी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा होल था। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ पे अटैच करना है, इसको यहाँ पे, और जो हमारा दूसरे वाला उसको यहाँ, मतलब इन तीन चीज़ों को हमें ऐसे यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैप ले रखी है इस कैप को हम यहाँ पे लगाएंगे। इसकी हेल्प से हम मोती ले लेते हैं सारे। ये रहा हमारा मोती, तो हमें क्या करना है, इसमें डालेंगे पहले, फिर इसमें, तो इस कैप को इतना। ठीक है, ये कुछ ऐसा, अगर आप चाहें तो इसमें
वाइट मोती यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें इसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हम सबको कर लेंगे। पॉल कैप लगा के सबको यहाँ पे हम अटैच भी कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये लिया, ये सिल्वर कलर का है, इसको मैंने भी इसमें मैंने ये चेन लगाई है, जैसे आप देख सकते हैं ध्यान से। ये सिल्वर कलर का, डजंट मैटर कि ये सिल्वर है या फिर हमने इस पर गोल्ड का काम किया। ठीक है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप चाहें तो ये जो हमारे ईयर हुक्स है गोल्डन कलर के, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो बाकी डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं क्या नहीं। मैं आपको ये भी लगा के दिखा दूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने ये रेडी कर लिया है, जो मैंने आपको ये कुंदन दिखाए थे, ठीक है, इन कुंदन का हमें क्या करना है, इन सारी जगह हम फेविकोल लगा लेंगे। ठीक है, अच्छे से। इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे लगा देंगे अच्छे से, क्योंकि हमें इसको ऐसा तैयार करना है कि हम इसे पार्टी में भी पहन सकें और ये बहुत सुंदर लगे। मैं आपको पूरा लगा के दिखाऊंगी। ये बहुत छोटे हैं, बिकॉज छोटे थोड़े प्यारे से लगते हैं। आप चाहे तो थोड़े पोर्शन में फेविकोल लगा सकते हो। लगा लिया, ऐसे में इन सब में लगाना है। ठीक है,
इसी टाइप से इन सब में लगाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसका सेंटर देखना है। ये मैंने पहले इसलिए डाल दिया ताकि इसका हम सेंटर देख सकें। ये इसका सेंटर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाले कुंडल है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं। जितनी अच्छे से फेविकोल आप लगाएंगे आपकी इयरिंग, उतने अच्छे से, मतलब ये जो कुंदन है ये टिके रहेंगे। अगर आप अच्छे से फेविकोल नहीं लगाएंगे तो इन कुंदन के निकलने के चांसेस हो जाते हैं, और इनको सुखाना बहुत अच्छे से होता है। ये मैं कल काम करते थे, मैंने सारे कुंदन को मिक्सअप कर दिया, इसलिए मुझे उनको ढूंढना पड़ रहा है। ये देखिए, मैंने इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा तैयार कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे अटैच करूँगी, और जो हमारा ये दोनों होंगे मैं इसको यहाँ पे अटैच करूँगी। तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ, तो बाकी सबको हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो मिलते हैं सबको डेकोरेट करने के बाद। तो मैंने ये कर लिया रेडी, ये कुंदन वगैरह लगा के मैंने दो डिज़ाइन इस टाइप के तैयार किए। इसमें मैंने इस स्क्वायर शेप और आई शेप के कुंदन का यूज़ किया, और दूसरे वाले में मैंने इस टाइप के चार पीस रेडी किए, और इस टाइप के मैंने दो पीस रेडी किए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इनको कैसे अटैच करते हैं। इसमें वीडियो में आपको शायद ब्लू कलर नज़र आ रहा है इसका, बट ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन कलर है। तो मैंने एक में ये जंप रिंग लगा रखा है, ये देखिए, जंप रिंग के साथ ईयर हुक, और यहाँ पे मैंने वाइट मोती डाल रखी। आप चाहें तो कोई टॉप्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, बट जब मैं टॉप्स लेके आऊँगी ऐसा कुंदन का, मैं बनाऊँगी नहीं, मैं मार्केट से लेके आऊँगी, तो मैं इसको इसमें अटैच करके आपको दिखाऊँगी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे अटैच करेंगे। तो हमारी जो थ्रेड लगी हुई है नीचे, हम इस थ्रेड में इसको अटैच करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम इसे कैसे अटैच करेंगे। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगी, ये देखिए कुछ ऐसा, ये
ये देखिए कुछ मैंने इसको ऐसा ओपन किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन करके ये जो हमने ले रखा है, अब हमारी मोतियाँ यहाँ वहाँ ना जाए, तो हमारा जो ये वाला मिड पॉइंट है ना, हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, हम इसको पीछे से ले लेंगे। मैंने यह फेविकोल लगा रखी है, फैब्रिक ग्लू जिसका हमने इस्तेमाल किया था इसे पेस्ट करने के लिए, तो इतनी जल्दी ये थ्रेड के अंदर नहीं आएगा, तो मुझे इसे साइड में लगानी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो ये जो प्लायर है इसकी हेल्प से यहाँ से हम थ्रेड उठाएंगे। आप यहाँ सेंटर में ना लगाएं फेविकोल वरना आपको दिक्कत होगी। तो अब हमें क्या करना है, ये सिंगल थ्रेड आ गया। ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए फाइनली मैंने इसमें डाल दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो वो है ना वो बात, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसे हमने कर दिया यहाँ पे अटैच। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा धागा खिंच गया, तो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में ठीक कर देंगे। तो हमारा कुछ ये ऐसे रेडी हो गया। तो हमने डिज़ाइन वाला पोर्शन यहाँ पे अटैच किया। अब जो हमारा ये वाला कुंदन का जो हमने इस पर काम किया हुआ है उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। हमने इसको ओपन कर दिया, तो आपको पोजीशन सेट कर देनी है कि आपको कहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ अटैच किया बट ये इसके ऊपर आ रहा है, तो हम इसकी जगह चेंज कर देंगे, हम इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो हम इसे यहाँ करेंगे ताकि इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ना आए। ठीक है, जैसे पहले आ रहा था। तो ये हमने कुछ कर दिया ऐसे रेडी, तो इसे हम कर देंगे बंद। सॉरी, ये ऐसे हो गया। ठीक, देख सकते हैं। अब दूसरे वाले को भी यहाँ पे हम करेंगे अटैच। मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप कहेंगे दूसरा वाला कैसे अटैच करें, डिस्टेंस तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, हमने जैसे हमने इतना सा स्पेस यहाँ लिया, इतना स्पेस हम यहाँ पर भी ले लेंगे। तो अगर आप चाहें तो स्केल रख के इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया। मैंने यहाँ पे भी फेविकोल लगा रखी है, तो इसको भी हम हमने यहाँ पे सेट कर दिया। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि मैं आपको पर्टिकुलर बता दूँ कि आप इसको ऐसे करें। तो मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया, तो इसका यहाँ से थ्रेड हट गई है। तो हम क्या करेंगे, फैब्रिक ग्लू लेके यहाँ पे धागे को पेस्ट कर देंगे ऐसा कुछ। ठीक है,
अब ये सूख जाएगा तो इसमें प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है? टेंशन वाली कोई बात नहीं होती इन सब में। तो ये हमारा झुमका हो गया तैयार, आप देख सकते हैं लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी है। तो ये देखिए, तो मैं आपको दूसरा पेयर इसका रेडी करके दिखाती हूँ। तो हमारे ये दोनों इयररिंग्स हो गए हैं तैयार। तो आप मुझे बताइए आपको कैसे लग रही हैं, है ना बहुत प्रिटी? ये देखिए, मैं आपको इसका नेकलेस भी बना के दिखाऊंगी लॉन्ग मोतियों से। वो लॉन्ग होगा मतलब जैसे नॉर्मल नेकलेस का साइज होता है उस साइज में होगा, जैसे चौकर होता है चौकर से थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है? प्रॉपर चौकर नहीं होगा, जैसे नॉर्मल नेकलेस का साइज होता है वैसे होगा। और मैं आपको इससे नेकलेस हो जाएगा, फिर टीका भी बनाना सिखाऊंगी कि इसका टीका मतलब मैं आपको उसका प्रॉपर सेट भी सिखाऊंगी, ठीक है? ताकि आपको अगर आप कहीं पहन के जाते हैं तो आपको इसका टीका गले का मतलब ये सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, ठीक है? इसकी बैंगल्स भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि प्रॉपर सेट कैसा आपको लगेगा। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इसको परचेज़ करने में वो भी मुझे कॉमेंट करके बताएं। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। मेरा वही पेज है जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, बाकी वहाँ पे लिंक दिया है। तो आप फेसबुक पे भी विजिट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारे कॉमेंट कीजिए और मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जिनसे मतलब कुछ सीखने का इंटरेस्ट है और कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं उसे सिखाऊंगी ज़रूर। और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइव देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए लाइव वीडियो भी लेके आऊँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेकलेस या फिर टीके के साथ। तो ठीक है, बाय। और मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ कैसे लगी।